नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में मानसून की आंख मिचोली जारी है। कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश लोगों को गर्मी से निजात देती है। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक विभाग की ओर से जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं किन जिलों में विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं राजधानी देहरादून में आज बादल छाए रहे, इस दौरान बीच बीच में धूप के दर्शन भी होते रहे। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू रहा। ऐसे में विभाग ने अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत समेत बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि के साथ ही बिजली गिरने की संभावना जताई है। ऐसे में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि वो भारी बारिश के चलते संभावित आपदा पर पैनी नजर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।